हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक को देखेंगे। पहले में क्या देखा था मेरे साथ में बोलिए। सूत उवाच वैयासकेर इति वचस्तत्व निश्चयमात्मनः उपधार्या मतिम कृष्णे अवतरेयः सतिम व्यधात्। सूत उवाच अर्थात सूत गोस्वामी ने कहा वैयासकेर इति वचस, शिला व्यासकी अर्थात व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी के इस प्रकार के वचनों को, जो कि अभी तक तीसरे अध्याय में जाके समाप्त हुए थे, 12वां श्लोक था, 12वां श्लोक लास्ट था। कैसे वचन थे? तत्व निश्चयम आत्मनः, जो आत्मा के भगवान के तत्व को स्पष्ट कर रहे थे कि आत्मा का कल्याण किसमें है। ऐसे वचनों को उपधार्य बड़े एकाग्रता से मन में धारण करके कृष्ण सतिम मतिम औतरे यह कृष्ण मतिम सतिम व्यधात। औतरे अर्थात उत्तरा के पुत्र परीक्षित महाराज ने कृष्ण अर्थात कृष्ण में अपनी सतिम अर्थात अव्यभिचारी मति, मति मतलब बुद्धि को, शुद्ध भक्ति को व्यधात, वी प्लस अधात यानी विशेष रूप से लगा दिया। अब ये बात सुनने के बाद अगले श्लोक में कह रहे हैं, यानी इस श्लोक में कह रहे हैं कि क्योंकि कृष्ण में अपनी मति को लगा दिया, इसलिए उनकी जो भी आसक्ति थी, जो भौतिक आसक्तियों का नाम रखा जा रहा है, उनको उन्हें पूरी तरह से त्याग दिया। अगर कोई पूछे कि उनकी मति का सतित्व क्या था, सतित्व मतलब अव्याभिचारिणित्व, और कठिन हो गया। सती जो उनकी अपने कहा कि उनकी मति सती है, तो यानी कि वो कहीं और नहीं जा रही थी, तो कहां और नहीं जा रही थी, तो उसको क्लियर कर रहे हैं श्लोक में। जो सामान्यता जगत में जहां लोगों की मति लगी ही रहती, वहां से हटती नहीं है, वहां उसे बिल्कुल हटा लिए, ये श्लोक बोल रहे हैं। देखिए परीक्षित महाराज किस चेतना में प्रश्न की करेंगे सुखदेव गोस्वामी को, ये जानना बहुत जरूरी है। इस वॉज नॉट अ कैजुअल क्वेश्चन, इसलिए परीक्षित महाराज की मनस्थिति को यहां बताया जा रहा है चार श्लोक में, पता है, समझ पा रहे हैं। सूत गोस्वामी जी परीक्षित महाराज की मनस्थिति को बता रहे हैं, ये समझाते हुए कि कितनी शुद्ध चेतना में वह प्रश्न कर रहे हैं, तो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम यहां पे परीक्षित महाराज की मनस्थिति को सूत गोस्वामी से सुन रहे हैं। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? देखिए आप यहीं पे आप देख लीजिए ना, आप लोग अब बड़े एकाग्रता से श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने के लिए आए हैं। मैं भी अब सारे काम छोड़कर श्रीमद् भागवतम को कुछ बोलने के लिए आया हूं, तो कुछ हमारी मन की स्थिति विशेष है कि नहीं, या अभी भी हम सोच रहे हैं कि हाँ अभी हम कुछ कहाँ फंस गए, बिजनेस में कुछ काम कर रहे होते, तो ऐसी स्थिति में ना तो श्रीमद् भागवतम बोली जा सकती है ना सुनी जा सकती है। देखिए मैं कई बार बताता हूँ, और इस को विज्ञान के रूप में समझेंगे, डांट के रूप में नहीं समझेंगे। जब भक्त लोग यहाँ पे 15-20 मिनट पहले आ जाते हैं, कीर्तन करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि हम अलाइन हो जाते हैं श्रीमद् भागवतम श्रवण करने के लिए। अब कोई बीच में हेलीकॉप्टर की तरह पैराट्रूपर की तरह ड्रॉप करता है, उसकी ठीक आ रहा, अच्छी बात है, पैराट्रूपर समझ रहे ऊपर से, वो भी ठीक है, लेकिन वो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक ही है, ठीक है, नहीं आने से तो ठीक ही है, अच्छा ही है, लेकिन रियली अगर आप अनुभव करना चाहते हैं, और भक्त लोग अनुभव कर भी रहेंगे, हाउ हरि नाम संकीर्तन हमको सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर करता है, हमको चार्ज करता है, प्रोटेक्ट करता है, फिर हम कथा को ठीक से ग्रहण कर पाते हैं। इसको विज्ञान, देखिए विज्ञान समझेंगे तो ठीक से कर पाएंगे। डांटने की कोई बात नहीं होती कि हाँ कीर्तन में आओ पहले, वो बात नहीं है। होली नेम प्यूरिफाइज अस, फर्दर वी कैन अंडरस्टैंड भागवतम प्रॉपरली। एनीवेज हम खाली बात कर रहे थे कि मनस्थिति को दर्शाता है। इस समय अब आप लोग कुछ और सोच रहे हैं, मान लो कि हमें कुछ और काम करना है, तो मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। कभी कभी ऐसा होता भी होगा कि आप परेशान रहते होंगे, फिर भी चलो चलते हैं क्लास में, कुछ नहीं है, कुछ सुन के आएंगे, तो मन नहीं लग पाता है, लेकिन बड़े प्रसन्न हैं, शांत भाव से बैठ के सुन रहे हैं, तो अब अलग स्थिति में रहते हैं कि नहीं, तो मनस्थिति का बड़ा महत्व है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो प्रश्न किए, क्या प्रश्न किए पूछा गया था, तो उससे पहले जो सुखदेव गोस्वामी की स्थिति है, क्षमा कीजिएगा परीक्षित महाराज की स्थिति है, उसका वर्णन बहुत जरूरी है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी चार श्लोकों में उनकी एकाग्र मनस्थिति का, एकदम जो भगवान कृष्ण में ही लगी है, उसका वर्णन कर रहे हैं। अब उनके मन में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, ठीक है, तो यह श्लोक उसका वर्णन कर रहा है। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, देखो जैसे अभी तक तो किसी ने नहीं किया है, मान लीजिए अभी तक तो किसी ने, मैं इसको चैट को ऑफ ही रखता हूं,
बीच बीच में कोई शुद्ध भक्त आकर के बोल देते हैं हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, और मेरी नजर उस चैट पे चली जाती है तो मैं जो बोल रहा होता हूँ वो मैं भूल जाता हूँ या कुछ भी, और प्रभु जी हमारा वीडियो ऑफ हो गया है, ऑन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम उस चैट को ऑफ रखते हैं। केवल एक ही व्यक्ति को हम यहाँ पे बना सकते हैं, आवाज़ गड़बड़ हो तो बता दें हमको। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अभी मैंने कुछ बात बोली आप लोगों की मति भागवत से चली अलग चली गई कि नहीं, तो आप यहाँ समझने का प्रयास कीजिए कि क्या नाम है इनका, परीक्षित महाराज इस समय कुछ और नहीं सुनना चाहते, केवल कृष्ण पे एकाग्र हैं, और ऐसी पवित्र मति से जो प्रश्न करेंगे वो किसके विषय में होगा बताइए? कृष्ण के विषय में ही होगा, उससे कृष्ण कथा का ही उदय होगा। ठीक है, सो देर इज नथिंग, देर इज नो एजेंडा इन हिज माइंड एक्सेप्ट कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब तो समझ में आ गया होगा, इसलिए उसकी उनकी मनस्थिति को जानना बहुत आवश्यक है। ओके प्लीज चैंट डॉक्टर। आत्मजाया सुतागारा, आत्मजाया सुतागारा, पशु द्रविण बंधुषो, पशु द्रविण बंधुषो, राज्य चाविकले नित्यम, राज्य चाविकले नित्यम, विरुणाम ममताम जहौ, विरुणाम ममताम जहौ। आत्मजाया सुतागारा, आत्मजाया सुतागारा, पशु द्रविण बंधुषो, पशु द्रविण बंधुषु, राज्य चा विकले नित्यम, राज्य चा विकले नित्यम, विरूणाम ममताम जहौ, विरूणाम ममताम जहौ। आत्म जाया सुतागारा, आत्म जाया सुतागारा, पशु द्रविण बंधुषु, पशु द्रविण बंधुषु, राज्य चा विकले नित्यम, राज्य चा विकले नित्यम, विरुणाम ममताम जहौ, विरुणाम ममताम जहौ। आत्मजाया सुतागारा, आत्मजाया सुतागारा, पशु द्रविण बंधुषु, पशु द्रविण बंधुषु, राज्य चा विकले नित्यम, राज्य चा विकले नित्यम, विरुणाम ममताम जहौ, विरुणाम ममताम जहौ। अनुवाद, भगवान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फल स्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु हाथी घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। वैसे भक्त से अनुरोध है कि जो प्रश्न फोटो डाल रहे हैं वो उसमें ट्रांसलेशन में नहीं डालिए, ट्रांसलेशन का फ्लो थोड़ा टूट जाता है, मैं ही मेरा ही फ्लो टूट गया। ओके सो व्हाट आई विल डू इज स्विच बैक टू माय ओरिजिनल फाइल, शो दैट फाइल, फिर से पढ़ते हैं। भगवान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु हाथी घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। तब एक प्रश्न है, क्या प्रगाढ़ ममता थी? ममता नहीं थी, इसीलिए छोड़ करके आ गए थे, लेकिन अब वह बात और जो निराशक्ति थी वह और पुष्ट हो गई। शिला व्यासदेव, सॉरी शिला व्यासदेव निकल रहा है, शिला सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से सुनकर बातें बोले ही थे ना कि चीराणि न पति संति इत्यादि, क्या कपड़े नहीं हैं पड़े हुए रास्ते में इत्यादि, या फल नहीं है खाने के लिए, क्या गंगा जी का जल दूषित हो गया या पीने को नहीं मिल रहा है, गुफाएं नहीं है क्या रहने के लिए, ऐसी बातें बोल करके जिसमें व्यक्ति निर्वृत्त होकर के आनंद से और नेतार्थ होकर के कि इतना भजन तो मैं करूंगा ही, ऐसा करके भजन करने के उपदेश दिए थे कि नहीं, और बार बार बोले थे कि रति, भगवान में रति प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है इत्यादि इत्यादि, तो वो उन सुन के उनकी जो मति थी कृष्ण में वो और दृढ़ हो गई, तो जो निराशक्ति पहले से थी वो और दृढ़ हो गई इन वस्तुओं में जो नितांत ही आसक्ति का कारण है जगत में, त्यागने के प्रयास करने पर भी नहीं छूटता है, वह उन्होंने त्याग दिया। अर्थात
इनके विषय में, इनके कल्याण के विषय में कोई प्रश्न परीक्षित महाराज अब नहीं करने वाले। आप मानते हो कि देह के बारे में, पत्नी के बारे में, बेटे के कल्याण के बारे में प्रश्न करना हमारे लिए स्वाभाविक होता है, बस यही बात बोलते हैं। क्या प्रमाण है? श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृहमेथिनाम। हजारों बातें हैं प्रश्न करने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन आत्म तत्व को ना देखने कारण उस बारे में कोई प्रश्न नहीं करते। क्यों? घर में ही मेधा लगी हुई है। तो अब बताइए, राजा के लिए आसक्त होने का कितना अधिक विषय होगा, और भाई पूरे विश्व के राजा थे। तो ऐसी वस्तु में जो सहज ही एक बद्ध जीव के लिए आसक्ति का विषय होती है, उनको उस आसक्ति को त्याग दिया। तो राजा ने अन्वय में लगाया गया, लगाना पड़ता है पूरा करने के लिए। प्रभुपाद जी ने अनुवाद में क्या कहा? कृष्ण के प्रति आसक्ति। ये देखिए, ध्यान से सुनिएगा, भगवान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फल स्वरूप। ये किस भाग का ट्रांसलेशन है? इस श्लोक का नहीं है, ये पिछले श्लोक से कंटिन्यू हो रहा है। कृष्ण मतिम सतिम व्यधात, वो वहां से ग्रहण करना होगा। इस श्लोक में ये नहीं बोला जा रहा है कि कृष्ण में मति उनके आकर्षण का, कुछ नहीं बोल रहे प्रभुपाद जी, इसको पिछले श्लोक से अन्वय ले रहे। कभी आप देखे होंगे, अगर आप समझ रहे हैं, कई कई श्लोकों का अन्वय पिछले श्लोकों से होता है, वो एक में कंप्लीट नहीं होते हैं, वो आगे भी जाते हैं। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं पिछले श्लोक से क्यों त्याग दिया। क्योंकि कृष्ण के प्रति मतिम सतिम व्यधात, क्योंकि कृष्ण के प्रति उन्हें सती मति, अपने अव्यभिचारिणी मति को निष्ठ कर लिया था। इस कारण से आत्म का अर्थ है देह, आत्मा का अर्थ है देह। अन्वय देखिएगा, राजा ने आत्म अर्थात शरीर, जाया मतलब पत्नी, जो टाइम जाया करे I'm just playing word on words, जाया का मतलब पत्नी और जाया का मतलब वेस्ट नहीं, नो ऑफेंस, जस्ट जोकिंग, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं भाई, किसी की कोई भी पत्नी है, माता जी लोग कोई भी अपराध नहीं लेंगे, हम केवल ओनली फॉर किडिंग, जस्ट फॉर किडिंग, प्लीज डोंट टेक ऑफ। जाया मतलब पत्नी, सुत मतलब पुत्र, आगार का मतलब महल। अब महल तो हमारे पास है नहीं, 1 BHK में अटैच हुआ है कि नहीं, 1 BHK 2 BHK मिल गया, उसी में व्यक्ति आसक्त हो जाता है। पशु, पशु का अर्थ लिया गया हाथी घोड़े, प्रभुपाद जी कहते हैं हॉर्स पावर, हमें तात्पर्य बोलेंगे घोड़े नहीं है, अब घोड़े कार के अंदर बांधे गए। द्रविण मतलब संपत्ति, बंधुषु मतलब मित्रों तथा संबंधियों में, च मतलब एवं, अविकले राज्य, निष्कंटक राज्य में। जरा देखिए इसका अर्थ सुनिए, विकल का क्या अर्थ होता है? विकल मतलब परेशानी, आपने देखना है विचलित हो जाना, विकल हो गए, विकल होकर के बोले, विकल शब्द का अर्थ समझते हैं। और अविकल मतलब जहां, जिस राज्य में कोई परेशान करने की कोई बात ही नहीं थी, कोई व्यक्ति उनको परेशान कर ही नहीं सकता था, कोई व्यक्ति उनसे जीत ही नहीं सकता था। और न सिर्फ ये, सभी उनसे प्रेम करने वाले थे। आपने सुना था कि जब वो दिग्विजय के लिए गए तो कोई युद्ध ही नहीं करता था, सब लोग सरेंडर कर देते थे और उनका गुणगान किया करते थे पूरे विश्व में। इस समय आप देखिए समझ नहीं पा रहे हैं, न समझने की जरूरत है, कि राजा या प्राइम मिनिस्टर बन जाए नींद गायब हो जाती है। बड़ा प्रयास करके मिनिस्टर बनता है, लेकिन बड़ी चिंता होती है कि कब ये पद चला जाएगा, कब पद चला जाएगा। और ऐसे निष्कंटक राज्य में नित्यम ममताम विरूढ़ाम जहो, नित्यम मतलब नित्य अभ्यास के कारण जो ममता सुदृढ़ हो गई थी। इसका मतलब क्या होता है? देखिए एक एक विषय को लेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। नित्य अभ्यास के कारण जो ममता, मतलब ममता, ये मेरा है, ये मेरा है, स्वकीय अभिमान। ममता का मतलब होता है ये वस्तु मेरी है। नहीं समझते हम लोग, समझ रहे हैं? एक भी वस्तु लेके नहीं आए, देह भी यहां पे दिया गया है मैन्युफैक्चर करके हर जन्म में। क्या हर जन्म में देह दिया गया है? तो देह तो साथ दे गया था ना पिछले जन्म में। जब देह ही मैन्युफैक्चर करके दिया गया है, देह ही अपना नहीं है, तो अन्य वस्तुएं अपनी कैसे हो गई? इसीलिए भक्त जानता है कि सब वस्तुएं भगवान की हैं, से भगवान की सेवा में नियोजित करता है। ठीक, तो
अभी हम बताएंगे इसके अर्थ क्या है। नित्यम ममताम विरूढ़ाम, जो नित्य अभ्यास के कारण ममता सुदृढ़ हो गई थी उसका जहो अनित्याग कर दिया। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए, एक एक शब्द को देखेंगे और फिर देखेंगे कैसे कैसे अभ्यास के द्वारा हमारा इनमें ममता सुदृढ़ हो गई। उधर मत जाइए, अपने आप को अपने से कनेक्ट कीजिए, अपने देह से कनेक्ट कीजिए, या जो भी बचपन से बोलते आए हैं ना हम लोगों को, तुम ये हो, जो हमारा देह था उसी को इंगित करके सब लोग बोल रहे हैं ना कि तुम ये हो, तुम ये हो। तो इस अभ्यास के कारण हम मानने लग गए हैं ना कि हम ये हैं, पापा 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 पापा, और उधर से भी बेटा 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 बेटा। हमारे ही भक्त, एक भक्त आते थे भागवतों क्लास में, तो कई दिनों से वे आए नहीं इधर, और कई दिन से मैंने उनको देखा नहीं है, तो मैं तो उनकी शक्ल ही भूल गया था। आज मंगल आरती में देखा उनको, ओ अच्छा ये भी हैं, कुछ समझ पा रहे हैं। जिन लोगों को आप देखने का अभ्यास करते हो उनमें आसक्ति होने लगती है, ये बहुत गंभीर बात है। उपनिषद में बताया गया कि आंखें क्यों दी गई, ताकि ममता जागृत हो जाए। डू यू अग्री? जिनको देखते रहते हैं देखते रहते हैं, उनसे बॉन्डिंग होने लगती है कि नहीं? मान लीजिए आप कोई अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं था और आप ऑफिसर बन जाते हैं, एक अभ्यास बन जाता है ना कि वस्तुएं मेरी हैं, ये लोग मेरे हैं, मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कुछ अभ्यास का ममता से लिंक समझ रहे हैं? चलिए, जाया, जाया मतलब पत्नी, जो टाइम जाया कर, कभी कभी पत्नियां टाइम जाया करती भी हैं। मुझे पता है कि जाया करते हैं, जन्म लेने वाला होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर भजन करने वाली पत्नी नहीं है तो वही वाकई बहुत डिस्टर्ब करने वाली है। तो पत्नी में अब जिस लड़की से शादी हो जाती है उसी को अपनी मेरी 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 कहते हुए कितनी उसकी आसक्ति हो जाती है। यह भी हो सकता है कि मान लो जिस लड़की से भगवान ने व्यवस्था करी शादी करने की, वो ट्रेन की सीट में कहीं आगे सीट का, हो सकता है कि 6 महीने पहले सीट पे झगड़ा करे, ए ये मेरी सीट है, और फिर शादी हो जाए तो कहे ठीक है तुम ऊपर सो जाओ मैं नीचे लेट जाता हूँ। ये देखा गया है कि नहीं बताइए? हो सकता है। ममता वाली बात समझ रहे हैं, मेरी है मेरी है, वो भी सोच रही है मेरा है मेरा है, मेरे पति है मेरी पत्नी, ऐसा करते करते हम लोग ममता को जनित हो जाती है ना ममता। महल घर, ओ दिस इज टू मच। देखिए महल में तो मैं आगे को और जाऊंगा, बर्तन आप बर्तन में आसक्त हो जाते हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तीन आज भी आते 3,000 रुपए के बर्तन खरीदे थे भगवान के लिए कुंभ करने के लिए, जब छोड़ के आ रहा था तू ओ मेरे बर्तन, उनका अभ्यास हो जाता है वस्तुओं का। अच्छा ये बताओ अपने घरों में, ब्रह्मचारी लोग भी, बहुत मजाक हो गया गृहस्थों का, ब्रह्मचारी लोग आपके रूम में सारी वस्तु है ना जो आप उनका उपयोग करते हैं, अभी ड्रॉअर खोलेंगे तो देखेंगे कि 6 महीने से एक वस्तु है जो पड़ी हुई है, इसको इस्तेमाल करना ही नहीं है, लेकिन एक अभ्यास बन जाता है ना उसका कि वो है हमारी है, रखें काम आएगी इत्यादि इत्यादि। अभी मैं अपने ही मजाक बना रहा हूँ, मेरे पास कम से कम 10 चार्जर रखे हैं, स्पीकर के तार, और हमेशा सोचता हूँ वो खराब हो जाएगा तो ये काम आएगा, अरे 10 काम आएंगे, आज पूरी प्लानिंग थी कि फेंकूंगा, अभी तो क्लास के बाद फेंकूंगा उसको। आपने देखा है उसे, वस्तुओं का अभ्यास हो जाता है, जितनी वस्तु इकट्ठी करेंगे उतना अभ्यास बनता जाता है। तो कह रहे हैं कि महल घरों में आसक्त हो जाते हैं। आश्रम में व्यक्ति रह रहा है, हमारे आश्रम में देखा है, मुख से निकल जाता है प्रभु जी हमारा रूम है इसमें, हमारा हमारा, एक ईंट तुम पेमेंट नहीं किए हो, एक ईंट का पेमेंट नहीं किए और हमारा हमारा करते रहते, बहुत खतरनाक है ये हमको देखना होगा कि हम लोग आसक्त हो जाते हैं कि नहीं। नित्य परिवर्तनशील देह में भी मेरा मेरा की भावना आ रही है। पशु हाथी घोड़ों में, तो हाथी घोड़ों में तो आसक्ति नहीं, लेकिन कार में जरूर आसक्ति है, हॉर्स पावर होते, अभ्यास चलाते चलाते बाइक में, द्रविण ये तो बहुत आसक्ति है। देखिए हम लोग 2 लाख रुपए लेकर के पैदा होते हैं सामान्यतः, इतने अरे कुछ नहीं ले जाते, और यहाँ जो हमारे कर्मानुसार मिलता है पहली बात उसमें फूलना शुरू करते हैं, 1 लाख
2 लाख और कहीं कम हो गया। अरे आपको मजाक लग रहा है, हमारे व्यक्ति को हम जानते थे, अभी तो उनका देहांत हो गया। 1 तारीख को भूल जाते थे क्योंकि सैलरी आती थी, और 25 तारीख तक नीचे एकदम एकदम डिप्रेस हो जाते थे, उनका पैसा ही नहीं रहता था। बहुत ज्यादा पहचान करते हैं, एक भक्त हैं, उनका मजाक बनाएंगे, नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन बोले प्रभु जी पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, लेकिन जो कमा लिया है उसको वो खर्च ना हो जाए उसकी बड़ी चिंता है। तो ये अभ्यास है ना। आयुष प्रभु 50 लाख रुपए खोने का आपको डर है? क्यों डर नहीं है इनको, क्योंकि है ही नहीं, लेकिन जिसके पास है उसको निरंतर भय बना रहता है। तो इसीलिए बोले नित्य नित्य ममता बनी रहती है, लोग छोड़ना नहीं चाहते, मरते दम तक छोड़ना नहीं चाहते। हमारे एक मित्र हैं, उनके पिताजी बोलते थे हम अब हम मर जाएंगे लेकिन दुकान नहीं छोड़ेंगे, और मर गए, दुकान नहीं छोड़ी। सही में मर गए, लेकिन दुकान में नहीं मरे, लेकिन मर गए, लेकिन दुकान का काम नहीं छोड़ा, भगवत भजन में नहीं आए। यानी एक एक वस्तु बहुत डेंजरस है। और ये बताइए कि हम जिस प्रकार से आसक्त हैं, जिन हम भी इन्हीं वस्तु में आसक्त हो जाते हैं, तो हमारी को जो वस्तुएं प्राप्त हैं और परीक्षित महाराज को जो वस्तुएं प्राप्त हैं उसको तो आप तुलना भी नहीं कर सकते। अब उनकी पत्नी कितनी सुंदर होगी, कितना सुंदर खाना बनाती होंगी, डिवोटी और प्योर डिवोटी भी होंगी, अनअलॉयड डिवोटी होंगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। कितना प्रेम करेगा बताओ, उनके पास कितने सुंदर घोड़े हाथी होंगे उसे कोई कल्पना नहीं कर सकते, और महल की तो हम धारणा ही नहीं कर सकते। और बंधुषु मित्रों में कितना नित्य अभ्यास 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 समझ रहे, बारंबार उनसे मिलते हैं, बारंबार व्यक्ति से बातचीत करता है, उठता बैठता है, तो व्यक्ति आसक्त हो जाता है कि ये मेरे मित्र हैं या मेरे शुभचिंतक हैं इत्यादि। भौतिकतावादी व्यक्ति इसी प्रकार से आसक्त रहता है। और उसके बाद राज्य, देखिए राज्य तो हम लोग खैर प्राप्त नहीं है, लेकिन कुछ कुछ नौकरी प्राप्त होती उसके छूटने के डर को व्यक्ति से डरता रहता है कि नहीं। या कहीं कुछ खेत हो जाए 2-4-5 एकड़, वो कहीं कोई छीन ले तो उसका भय रहता है। हम गलत बोल रहे हैं क्या? लोग झगड़ा बोल करते हैं इस तरह से। और पूरे विश्व की पृथ्वी का राज्य हो आपके पास तब, वो भी निष्कंटक, तो कितनी आसक्ति होगी। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर को चिंता नहीं है कि अगली बार सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? 10वां दूसरा टर्म चल रहा है ना, हो सकता हो विरक्त हो, मुझे नहीं पता, लेकिन नॉर्मली कोई छोड़ना नहीं चाहता है अपने पद को, और उनका राज्य निष्कंटक नहीं है। तो आप समझ पा रहे हैं, मैं समझा पाया क्या? बारंबार अभ्यास के कारण हम में से कोई नहीं मानता है कि हम भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अभ्यास ही नहीं है, एक्सेप्ट द ड्रीम्स। लेकिन जो है उनका अभ्यास हो जाता है ना कि मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर हूं, वो 5 साल के लिए, और जो बचपन से लेकर के अब मृत्यु पर्यंत निष्कंटक राज्य किया, उसका कितना अभ्यास होगा? अभ्यास समझ रहे हैं, संस्कार बार 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 बार। तो उस ममता को, जो जो विरूढ़ ममता थी, अत्यधिक प्रगाढ़ ममता थी, उसको उन्होंने त्याग दिया। यानी कि मन अब इन किसी भी वस्तुओं में नहीं जा रहा है। अच्छा, अब हम ये कैसे जाने कि हम आ सकते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये बात को समझ में नहीं आई, जप कीजिए और देखिए कि मन कहाँ जा रहा है। ओ नई गोपी ड्रेस, वॉट एवर, आई डोंट नो व्हाट इज आ सकती है। ओ इमरती, ब्रह्मचारी लोग जनरली भोज ब्राह्मण लोग भोजन के प्रति, आज क्या आज खिचड़ी मिलेगी क्या बड़ी, तो कल वाली मिली थी, कुछ भी, या आपके कुछ प्लान्स रहते हैं, आज ये करना है वो करना है। जहां हमारी मन जा रहा है वहां हमारी आसक्ति है। तो यहां पहले बोल दिया कि कृष्ण मतिम सतिम मतिम विधात, कृष्ण में ही लगी तो कहीं और भी जा रही, तो उसको नेगेट कर रहे ना इन सभी वस्तुओं में जो हमारे लिए बहुत हमारे लिए स्वाभाविक ममता का विषय है, वह त्याग दिया। यानी ममता कहां लगाई? कृष्ण में, कृष्ण मेरे हैं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी। इट्स वेरी इजी टू स्पीक बट डिफिकल्ट टू अप्लाई, बट यही हमारी वास्तविक स्वरूप स्थिति है कि हम कृष्ण के प्रति ही ममता करें, और यही दिखाता है भगवत प्रेम की स्थिति। भगवत प्रेम में व्यक्ति को अत्यधिक प्रगाढ़ ममता हो जाती है भगवान श्री कृष्ण से। कृष्ण मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं, मुझे उनकी ही सेवा करनी, ये वास्तविकता है, बस खाली प्रकट हो जाती है। मैं समझा पा रहा हूं, ममता इसमें नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं नहीं थी, ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं ममता ना हो। ममता किसमें है?
भगवान श्री कृष्ण में, उनकी ही सेवा करनी, उनकी ही सेवा करनी। ये श्रीमद् भागवतम का और हरे कृष्ण मंत्र का प्रभाव है कि ऐसी ममता भगवान के प्रति जागृत कर लेता है। आप लोगों ने कभी ये शब्द सुने हैं, स्पेशली गृहस्थों के मुख से निकलता है, हम तो अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं और बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो कहेगा तुमने हमारे लिए किया क्या है। अगर माँ बोले कि तुम्हारे लिए जी हूं या जिया है तो स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। क्या आप लोगों ने कभी सुना है किसी बच्चे को बोलते हुए अपने माता पिता को, आपने स्वयं तो नहीं बोल दिया लेकिन ऐसा देखा जा रहा है आजकल जगत में कि वो बोलते हैं, बड़ा धड़ल्ले से बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। ठीक है, अच्छा है, सुन लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए ताकि कुछ तो समझ में आए कि सेवा किसकी करनी चाहिए। आत्म मतलब देह में, आपने ये चीज देखी है, कभी आप ट्राई करना किसी के स्वास्थ्य के बारे में बात कीजिए तुरंत इंटरेस्टेड हो जाएगा। अनलेस वो बहुत रियलाइज्ड ना हो, देह को कैसे ठीक रखें इस पे बहुत व्यूज मिलते हैं लोगों को, अगर कुछ फॉर्मूला बना दी जाए। वैसे वो कितने रुचि उनको होती है दूसरों का हित करने में तो संदेह है, लेकिन उनको तो व्यूज चाहिए होते हैं, लेकिन लोगों की बड़ी रुचि होती है क्योंकि हम मान रहे हैं कि मैं ये देह हूँ। बहुत ममता है इस कारण से, देह को पुष्ट रखने के लिए क्या क्या नहीं करते। अगर आपको अभी भी इसमें कोई विरोध है तो 8 घंटा सोते हैं कि, 8 तो नहीं 6 घंटा बड़े सोते हैं कि नहीं, अभी भी 6 घंटा जप करना कौन शुरू किया है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम आपको निस्सहाय नहीं करें, 2 घंटे में पार हो जाओ, घबराओ मत, लेकिन हम बोल रहे हैं, मैं खुद दरवाजा बंद करके और सारे ब्रह्मचारियों को पता है कि हम प्रभु जी रेस्ट कर रहे हैं तो उससे हम डिस्टर्ब नहीं करना है। कितना निष्ठा है सोने में, है कि नहीं माय डियर डिवोटीज? ना, अभी तो बिल्कुल नहीं अभी तो बिल्कुल नहीं, शायद आप लोग भी इसी पार्टी में हैं। देखो भाई, नींद पे कोई कॉम्प्रोमाइज, नींद में कोई दोस्ती नहीं है, सो रहे तो डिस्टर्ब नहीं करना, जब पे चाहे कितना कर लो, लेकिन सो रहे हैं तो उसमें डिस्टर्ब नहीं करना, तब हमारी कोई दोस्ती नहीं रहेगी। तो देह में ममता है कि नहीं? आप में से कितने लोगों को क्रोध आता है अगर आपको नींद से कोई उठा दे? ओके गुड, मायसेल्फ आल्सो, जब किसी को उत्तर नो में चाहिए तो मुझे नींद में डिस्टर्ब करे, निश्चित नो ही मिलेगा उत्तर। ना ना, दांत तो मैं उसके बीच में, इतना क्यों उसने स्ट्रेंथ क्यों? तो हम देख रहे हैं किस प्रकार से हमारी नींद की प्रति आसक्ति, नींद का मतलब देह के प्रति आसक्ति। और इससे पहले भी हम बोल चुके हैं कि शायद गायों के डोनेशन के लिए 500 रुपये से अधिक ना निकले, लेकिन रात की नींद ठीक से आए इसके लिए होटल में 2000 रुपये खर्च करने के लिए तैयार है कि नहीं लोग? सो आप देख सकते हैं कि देह में कितना खर्च करने के लिए हम तैयार हैं, आसक्ति है कि नहीं हमारी? हम सभी की, मतलब ऐसे कोई है नहीं कि आपकी मेरी, हम सभी की इस प्रकार से देह में बहुत आसक्ति है। जाया जिसकी है उस पर बहुत आसक्ति है, चाहे मतलब जिसकी पत्नी रहती, पत्नी में लोग बहुत आसक्त रहते हैं, सेवा करती हैं और संबंध रहता है, बातें करती तो उस प्रकार से आसक्त हो जाते हैं। सुत मतलब बेटा और आगार मतलब महल, पशु, द्रविड़, समझ गए, बंधु आदि मित्रों में आसक्ति है। तो उस ऐसी दृढ़ आसक्ति को और राज्य च अविकले, अविकल राज्य में जो नित्यम विरूढ़ा ममताम, जो नित्य ही प्रगाढ़ ममता थी, उसको जाओ, उसको न त्याग। श्लोक तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? ये मेरी वस्तुएं नहीं हैं, इनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। ममता का क्या मतलब है? ये वस्तुएं मेरी हैं और इनका मुझसे, मेरा इनसे प्रयोजन है। प्रयोजन मतलब संबंध। इज इट गेटिंग क्लियर? श्रीधरी, आत्मा शब्द से शरीर को कहा गया है। देखिए अब कितना महत्वपूर्ण है आचार्यों की टीका को समझना। आत्मा के बहुत सारे अर्थ होते हैं, कहें आत्मा में आसक्ति त्याग दी तो मतलब क्या? अपनी आत्मा में, आत्मा का मतलब परमात्मा में आसक्ति त्याग दी तो गलत अर्थ हो जाएगा ना, इसीलिए कह रहे हैं आत्मा का मतलब देह में। आत्मा शब्द से शरीर को कहा गया है और पशु शब्द से हाथी, घोड़े इत्यादि कहे गए। इसको क्यों कह रहे हैं? गधों में आसक्त नहीं थे समझ में आया? हाथी घोड़े मतलब राजा किस पे चलेगा, या तो घोड़े पे चलेगा या हाथी पे चलेगा,
मेक सेंस टू यू? बहुत सटल है, ऐसा नहीं कि अब गधे पे तो राजा चलेगा नहीं, तो गधों में तो आसक्ति नहीं होगी ना। हाथी घोड़े का मतलब जिसका उन्होंने उपयोग किया, ये कहने का आशय। इन सभी वस्तुओं में जो राजा की ममता अत्यंत सुदृढ़ हो गई थी, उसका उपयोग किए थे, उसका राजा ने सुखदेव जी की वाणी को सुनकर त्याग कर दिया। क्रम संदर्भ, तो एक प्रश्न आप लोग मन में आएगा तो उसको क्लियर कर ले। तो क्या पहले आसक्त थे? तो देखिए, उन्होंने पूर्व में, उन्होंने अर्थात परीक्षित महाराज ने पूर्व में इन आसक्तियों को त्याग दिया था, किंतु अब और विमर्शन करते हुए और अधिक विचार करते हुए महाराज ने उन्हें हे मानकर और अधिक अस्वीकार कर दिया, यह कहा गया। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। वह इन सभी वस्तुओं को भगवत साक्षात्कार में प्रतिबंध मान रहे थे, इसलिए छोड़ करके आए, अपना महल छोड़ दिए। ऐसा नहीं था कि महल में बोलते तो प्रसाद की व्यवस्था नहीं होती या कुछ होता, नहीं, सब व्यवस्था होती। कहते हैं भजन करना है तो भजन भी करने दिया जाता, लेकिन हो सकता कोई कहता एक साइन कर दीजिए जरा, डी अग्री। सुखदेव गोस्वामी पहले बात तो मिलते नहीं वहां पे, और कुछ सुन रहे होते कथा, सरकार सरकार जरा, वो जन्मेजी जी आ जाते, कहते सर थोड़ा सा ये प्रभु पिताजी जरा देखिए इसमें कुछ, पिताजी शब्द भी नहीं सुनना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इससे भी ममता हो जाती, इसीलिए लड़के के सामने नहीं मरना चाहिए। हम पहले भी सुन चुके हैं महाराज जी के मुख से, लड़के के सामने नहीं मरना चाहिए, मर रहे हो तो लड़के बच्चे सामने नहीं होना चाहिए। इतना बोल देंगे या पत्नी सामने नहीं होनी चाहिए, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी बस, या पिताजी हमको किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं बस, पिताजी फिर दोबारा जन्म ले लेंगे, चूहा बन जाएंगे और कहेंगे आ गया मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए। क्या मैं अपने मन से बोल रहा हूं? याद आ रहा है आप लोगों को, हम लोग प्रथम स्कंध में सुन चुके हैं, धीर शब्द था, नरोत्तम शब्द था, ये सब बातें आई थी, ये सब बातें बोली गई थी, भाई जो अपने घर से दूर जाके मरता है वो अच्छा व्यक्ति माना जाता है। और यह भी बताया गया था, बहुत सारी बातें बताई गई थी, अभी हम और घर नहीं जा रहे। तो खुद ही आसक्ति को त्याग करके, यहां तक कि केवल एक कौपीन पहन करके, यानी कुछ भी संग्रह नहीं किए थे, वह गंगा जी के तट पर आमरण अनशन के लिए बैठ गए थे। तो पहले ही वह निराशक्त थे, ये क्लियर है। और अब सुखदेव गोस्वामी जाकर के और इसका वैलिडेशन कर रहे हैं कि आप एकदम सही हैं, आप एकदम सही कर रहे हैं, इन सबसे अपनी आसक्ति को काट करके भगवान के पास जाना चाहिए। सद्य मुक्ति में भी वर्णन हुआ था कि कहीं भी अपने मन को, मन कहीं जा रहा है, वो हर प्रकार की आसक्ति को छोड़ करके एकदम भगवान में लगाए, तुरंत भगवान के पास चला जाए। इसको बंद कर दीजिए, तो हे का मतलब होता है निकृष्ट मानना, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो पहले तो उन्होंने अपने से ही उसको खराब मान रहे थे, लेकिन अब गुरु महाराज ने और बोल दिया। और आप समझने का प्रयास कीजिए, सुखदेव गोस्वामी जी की वाणी में कितनी शक्ति, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। सामने बैठ कर सुखदेव गोस्वामी जी को बोल रहे हैं, तो उनकी और श्रद्धा होगी, नहीं बस भगवान का स्मरण ही करना है, इसी से मेरा कल्याण होगा, ये सब चीजें मेरे लिए बाधा है, जितनी भी आत्म जाया इत्यादि द्रवण सुख, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। जो आसक्ति, जो निराशक्ति थी वो और प्रगाढ़ हो गई। मैंने उदाहरण दिया था, देखिए शुगर केन के जूस का, गन्ने का जूस मीठा होता है, लेकिन और मीठा हो जाता है जब उसको हीट करते हैं, वो और मीठा हो जाता है। अतः को गत्वा क्या खांड मिश्री बोलते क्या, नहीं जो सबसे अधिक मीठा वो होता है, गुड़ नहीं, खांड और उसके आगे उसको बोलते हैं एक विशेष मिश्री, मिश्री बोलते हैं, और उसमें भी एक विशेष मिश्री सीता मिश्री, सीता मिश्री बहुत मीठी होती, तो मिठास बढ़ती चली गई कि नहीं, वो मीठी है लेकिन उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही। तो कह रहे हैं उसी प्रकार से पहले ही है माने, अब उसके हेता को और अधिक रूप से अनुभव कर रहे थे ना, एकदम काम का नहीं, एकदम व्यर्थ कर रहा है। ठीक है, तात्पर्य
बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, मुक्त होने का अर्थ है देहात्म बुद्धि से स्वतंत्र होना, जो निजी शारीरिक आवरणों तथा शरीर से संबद्ध प्रत्येक वस्तु तथा पत्नी संतान और अन्य सारे झंझटों के प्रति भ्रामक आसक्ति है। तो कई बार बोला जा रहा है, कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणी नामयत, किसी भी प्रकार से नाम उच्चारण किया जाता है और केवल एक बार भी किया जाता है तो वह निश्चित रूप से मुक्ति देता है। तो प्रश्न बनेगा ना, मुक्ति का क्या अर्थ है? तो देखिए, ये बड़ा स्पष्ट होना चाहिए, मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, मुक्ति का अर्थ है अविद्या से मुक्त होना, अविद्या का बंधन है। तो अविद्या का क्या अर्थ है? भगवान की वह भ्रामक शक्ति, माया शक्ति, जिसके द्वारा हम दो चीजों से, दो प्रकार से प्रभावित होते हैं। एक आवरणात्मक, मेरे स्वरूप को ढकने वाला कार्य करती है, मैं आत्मा हूं, भगवान का सेवक हूं, वो हमारा बात हमको समझ में नहीं आती। दूसरा जो मैं नहीं हूं वह मनवाती है, प्रक्षेपात्मक। तो इन दोनों से मुक्त हो जाएंगे तो क्या प्रभाव देखेंगे? जो नहीं है उसको नहीं मानेंगे कि मैं हूं, वो मैं देह नहीं हूं, आप भी देह नहीं है ठीक है, लेकिन मान रहे ना कि हम देह ही हैं। हर कर्म अपना करेंगे इस ये मानव जन्म तेरे लिए, समथिंग लाइक दैट, वॉट एवर। हर सुबह से शाम तक, हम फिल्मी गाना नहीं बोले, सुबह से शाम तक व्यक्ति अपने देह को पोसने में ही लगा है, ये चिंता में लगा रहता है कि देह को कैसे पोसेंगे, ये कभी नहीं प्रश्न करता कि देह को क्यों पोसेंगे, लगा है ना सुबह से शाम तक 8 घंटा तो मिनिमम, 10 घंटा 12 घंटा देह को पोसने के लिए लगा है ना, और कोई प्रश्न पोसना समझते हैं, नर्चरिंग द देह, लेकिन प्रश्न नहीं करता कि देह को पोसे क्यों, अपनी भी और जाया की भी और बच्चों की भी इत्यादि इत्यादि, क्यों पोसा जाए, क्यों ठूसे इनके मुंह में अन्न, चाहे अपनी देह में चाहे दूसरे के देह में, ये बड़ा खतरनाक प्रश्न है कि नहीं? और कोई उसको प्रश्न उठा ही नहीं रहा है, उत्तर की तो बात छोड़ दीजिए, कोई प्रश्न नहीं कर रहा। जो भक्त है वो सब जानते हैं कि जब तक भक्ति में नहीं आए केवल ठूसते रहे अपने मुख में भी और बच्चों के मुख में भी, लिटरली ठूस रहे कि नहीं, लेकिन ये प्रश्न नहीं कर रहा है कि क्यों ठूसा जाए क्यों ठूसा जाए। इंटरेस्टिंग है, मेरी दीदी की दीदी यहाँ पे आई हुई थी, तो उनकी लड़की भी कुछ लग रहा है आध्यात्मिक ज्ञान सीख ली 3 साल की, तो उनकी माँ ने, मतलब मेरी दीदी बोली, अरे कुछ खा लो, कहती क्या जरूरत है, मैं तो आत्मा हूँ 3 साल की बच्ची भी ऐसा उत्तर देगी अद्भुत है ना तो आत्मा, मुझे खाने की क्या जरूरत है, ऑब्वियसली खाना पड़ता है, लेकिन क्यों खाएं ये प्रश्न नहीं करता व्यक्ति। तो आप समझ पा रहे हैं, मुक्त होने का अर्थ है देह आत्म बुद्धि से स्वतंत्र होना, देह प्लस आत्म प्लस बुद्धि, मैं देह हूं, आत्म मतलब मैं देह हूं, ऐसी बुद्धि से स्वतंत्र होना। तो हम इसका अर्थ क्या समझेंगे, कैसे करेंगे? हम भगवान की सेवा करना शुरू कर रहे हैं, तो इस प्रकार से व्यक्ति देहात्म बुद्धि से स्वतंत्र है यद्यपि वह देह में है। इज दैट ओके? इसे कहते हैं जीवन मुक्ति। ये सब बातें पहले भी सुनी हैं या अभी आज ही सुना रहा हूं? जब हम श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हैं, हम भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान के संबंध में कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो भले ही हम देह में हैं लेकिन हम देह के लिए नहीं कार्य कर रहे, हम कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं। इसे कहते हैं मुक्ति। आप में से कितने लोग एक्चुअली महसूस कर रहे हैं, देखिए ईमानदारी से बोलेगा, मुझे इंप्रेस करने के लिए नहीं बोलेगा, कि कुछ कुछ देहात बुद्धि में कमी आई है, लेकिन मैं इसका अर्थ जानना चाहता हूं, उसका मतलब क्या है? अगर देहात में बुद्धि में हम लोग हैं या पहले थे तो क्या सोचते थे कि ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे माताजी, बस इनके लिए ही करना है, इनकी ही बात मानेंगे, ये पत्नी है, अब जिसकी शादी नहीं हुई है तो नहीं से बोल सकता, लेकिन क्या हमारे खुद के लिए भी मटेरियल एस्पिरेशंस थे? इसी में हमारा मन उलझा हुआ था कि नहीं? कुछ कुछ भी प्रकाश नहीं महसूस हो रहा कि हमें किसके लिए करना है काम। भाई पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हैं लेकिन काफी क्लैरिटी है कि किसके लिए करना है कार्य। फिर से एक बार कुछ वोट, कितने लोग कुछ समझ में आ रहा है? ओके
ठीक है, जूम पे भी कुछ लोगों को आ ही रहा होगा। हम लोग हैं किसी भी सिचुएशन में, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे स्त्री शरीर में हो, चाहे पुरुष शरीर में हो, दैट इज आर प्रेजेंट सिचुएशन। लेकिन कुछ दृष्टि जा रही ना कि हमें गोलोक की प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, दैट यू शुड सी इन योर ओन हार्ट। अगर नाम जप कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम को नियमित रूप से सुन रहे हैं, तो रडर का डायरेक्शन चेंज होते हुए आपको दिखेगा। मैं समझा पा रहा हूँ कि भाई ठीक है, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो, कुछ करना है, बट भाई ये हमारा मेन प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी मेन प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ा स्विच ओवर है। आप इतना आसान मत समझो मैं जो बोल रहा हूँ। क्या मैं कुछ समझा पा रहा हूँ इस बात को? प्रायः लोगों का रडर क्या होता है? आहार निद्रा भय मैथुन, बस उससे अधिक कुछ सोचते नहीं है। और भक्ति कर रहे हैं तो कुछ रडर, थोड़ा सा भी रडर चेंज हो रहा है भक्ति के प्रभाव से, श्रवण कीर्तन के प्रभाव से, तो दिखने लगता है कि भाई मुझे भक्ति में प्रगति करनी है। पहले होता है भक्ति में भी प्रगति करनी है और कुछ देहात्म बुद्धि में भी करनी है, जबकि पता नहीं कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। धीरे धीरे करके नेम टेक्स ओवर, भक्ति टेक्स ओवर। आप में से बहुत से भक्तों को यह अनुभव होने लग गया होगा कि शरीर की क्रियाएं हमारा टाइम वेस्ट करती हैं, सोना खाना इत्यादि करना ही है, करना पड़ता है, लेकिन वेरी गुड साइन। तो ये मुक्त होने के, क्रमशः मुक्त होने के लक्षण है, इसीलिए मैं इसको हाईलाइट किया हूं, समझाने का प्रयास कर रहा था कि मुक्त होने का अर्थ ये नहीं कि हमारे छह हाथ निकल आए। असुरों के भी छह हाथ होते हैं, सुनते हैं ना कथाओं में, हम लोग बहुत सारे हाथ होते हैं, लेकिन उनकी देहात्म बुद्धि में एकदम आरूढ़ रहते हैं कि मैं देह हूं। हिरण्यकश्यप बहुत शक्तिशाली था कि नहीं, लेकिन किस में आरूढ़ था? परिवार में, पत्नी में, बच्चे आदि में आसक्त था। तो ये फिजिकल फॉर्म की बात नहीं है, कॉन्शियसनेस की बात। क्या आप लोग समझ रहे हैं? और हम सभी के संग होगा, नाम उच्चारण अग्नि के समान है, सबकी अविद्या को वो काटेगा। गंभीरता से नाम उच्चारण करते रहें तो हम लोग इस प्रकार से समझ पाए। हम महाराज से गुणगान करना चाहते हैं, हम नाम लेकर बोलेंगे। परम पूज्य लोकनाथ महाराज की नाड़ी देखने के लिए तनिष्क प्रभु गए, तो तनिष्क प्रभु बता रहे थे महाराज को, बोले कि महाराज आपको काफी सारे शरीर में कष्ट आ रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत हाई है, स्पिरिचुअल एनर्जी, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। वेरी नाइस रियलाइजेशन। ऐसे परम पूज्य जयप्रताप महाराज जी, तो बहुत ही विनोद वाली बात है। अस्पताल में एडमिट थे महाराज, काफी बीमार है एक्सटर्नली। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज उनसे मिलने के लिए आए, बोले महाराज आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, चैतन्य चरितामृत सुन रहा हूँ, भक्त लोग मुझे चैतन्य चरितामृत सुना रहे हैं, हरि नाम कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। नहीं महाराज आपको ये सब ये जो सिरिंजेस वगैरह लगे, ओ अच्छा आप शरीर के बारे में बात कर रहे थे। सी नारियल वाला एग्जाम्पल समझते हैं, नारियल सूखा नारियल, कच्चा नारियल, कच्चा नारियल एकदम उसका जो खोल है वो चिपका रहता है, और जब एकदम सूख जाता है तो वो रहता खोल में है लेकिन बिल्कुल अलग हो जाता है। तो भले ही वो आपको लग रहा है, लेकिन जैसे भक्त एडवांस्ड हो जाते हैं तो वह देह के धर्म से परे हो जाते हैं, यद्यपि देह में स्थित हैं वो, लेकिन देह में नहीं स्थित रहते, उनकी आसक्ति देह में नहीं रहती, दे आर इनडिफरेंट टू द वर्किंग्स ऑफ द बॉडी। तो मुक्त होने का अर्थ है देहात्म बुद्धि से स्वतंत्र होना। एक और उसको और धारण समझिए कि भाई लोग कार से कहीं जाते हैं तो उनको पता है कि कार में पेट्रोल है कि नहीं, हवा है कि नहीं, लेकिन वो कभी नहीं मानते कि वो कार हैं, और वो हमेशा जानते हैं कि वो कार से कहाँ जा रहे हैं। और आप ये भी देखेंगे कि कार में पेट्रोल भराते हुए क्या करते हैं, जल्दी जल्दी भरो हमें जाना है आगे, समझ रहे हैं? तो भक्त किस पर मुक्त हो रहा है, क्या लक्षण है? तो शरीर के जो कार्य हैं, देह के कार्य हैं, वो तो जल्दी जल्दी करता है, और आत्मा के जो कार्य है उसको बड़ी तसल्ली से करता है, तसल्ली से भागवत सुन रहा है, तसल्ली से नाम जप कर रहा है, उनको प्राथमिकता दे रहा है, ये दिखा रहा है कि वह मुक्त हो रहा है। श्रील प्रभुपाद समझ में कहते हैं, क्या तुम लोग रोज सुबह से शाम तक समस्याओं का समाधान ही नहीं करते रहते हो? कैच किया ये बात? ठीक है, तो मुख्य समस्या का समाधान क्यों नहीं करते? जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ताकि ये जो अन्य सब्सिडरी समस्याएं हैं वो कभी दोबारा ना आए। काफी स्ट्राइकिंग है,
तो मुक्त होने का अर्थ है देहात्म बुद्धि से स्वतंत्र होना, जो निजी शारीरिक आवरण का क्या अर्थ है बताइए। अगर मैं तो करके दिखा रहा हूँ, आवरण जैसा लग रहा है कि नहीं? अभी तक तो मैं स्वयं लग रहे थे मेरी इज इट नॉट, नहीं मेरे संग ही नहीं आप लोगों के संग भी है, जो आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि हम बहुत सुंदर दिखते हैं, कुछ भी है इज इट नॉट, यस यू कैन टच एंड से ओह दिस इज एकदम आवरण जैसा लग रहा है कि नहीं? एक मिनट, ये आवरण है कि नहीं? पुल योर कुर्ता लाइक दिस एंड देन पुल योर स्किन लाइक दिस, और आवरण के अंदर तो शायद आप नहीं जाना चाहेंगे इज इट नॉट, बड़ा भयानक कंकाल अंदर बैठा हुआ है। अगर वो कंकाल सामने प्रस्तुत कर दिया जाए तो सब कहेंगे ये कहां से आ गया कथा बोलने के लिए, इज इट नॉट यू वॉन्ट लाइक टू हियर द कथा फ्रॉम कंकाल, कंकाल कथा, इट वॉन्ट बी भागवत कथा, इट वी कंकाल कथा। तो ये आवरण समझ में आ गया, ये खोल लगा हुआ है। और शरीर से संबंध प्रत्येक वस्तु, तो पत्नी किसकी है? आत्मा की पत्नी है कि नहीं? देह की पत्नी, और वो मान रहे हैं है ये नहीं पता नहीं लग रहा है, मान रहे हैं। और फिर संतान, वो कौन आत्मा है? अगर आप कभी कभी तो चेक कराएंगे तो पता चलेगा पिछले जन्म इसका मर्डर किए थे वही बच्चा बन के आया है दुख देने के लिए, ऐसा भी हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल, बहुत दुख देते हैं बच्चे लोग, अरे बड़े आ रहा है, सोचो ऐसा हो सकता है कि नहीं? आप कोई कर हो संभावना है कि नहीं? ये हम नहीं बोल रहे हैं, भागवत में आकर जो चित्रकेत महाराज रो रहे थे अपने बच्चे के लिए तब भी बोला था कि ये भी तो हो सकता था कि पिछले दिन हमका दुश्मन तुम्हारे पैदा हो गया है तुमको दुख देने के लिए, ये काफी संभावना हो सकती है। देखा गया है कि लड़के बड़ा खून पीते हैं, बहुत खराब निकल जाते हैं, तो पिछले जन्म का ही दुश्मन है जो लड़के के रूप में पैदा होता है, लेकिन ना मान करके इसमें व्यक्ति आसक्त रहता है, ठीक। और अन्य सारे झंझटों के प्रति भ्रामक आसक्ति है, इनमें से कोई वस्तु हमारी नहीं है और उनको अपना अपना करके हम अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं, ये बात बन जाती है। मनुष्य अपने शारीरिक आराम के लिए पत्नी का चयन करता है, प्रेम नहीं करता है, उसको खाना बनाने वाली चाहिए कोई, उसे पकाने वाली चाहिए कोई, उसे पकाने वाली चाहिए और समझ रहे हैं आप दो अर्थ डुअल लैंग्वेज के, उसे पकाने वाली कोई चाहिए, ये तो खाना पकाना उसको पकाना तो ये नहीं लाए वो नहीं लाए, आज इसकी कमी है आज वो कमी है, अभी तुम्हारा घर ही बना नहीं है, ऐसे करके ऐसे करके, ये जनरली भौतिकतावादी स्त्री में होता है, ऐसा होता है। और इसका परिणाम होता है संतान का जन्म, पत्नी तथा संतान के लिए निवास स्थान की आवश्यकता होती है और इस तरह घर बनाने की आवश्यकता पड़ती है। सुमुख पुरुष सामने ही है, अभी पत्नी और बच्चे चले गए हैं उधर वापस, तब देख रहे हैं कि अब कहें कि अब एकदम फीलिंग आ रही है ना कहीं भी रुक सकते हैं, राम लखन पुरुष बगल में बैठे हैं, अब माता जी और बच्चे साथ में होते तो दिक्कत होती ना, और अभी कहाँ भाई, अरे भाई गो माता में वहीं बेड डाल के सो जाना, कोई दिक्कत हुई मैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रह रहा हूँ आराम से रह रहा हूँ, है ना अंतर, बच्चे कोई दिक्कत नहीं, आपके सब भक्त लोग बच्चे भक्त हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को साथ में टांगते हैं टांग के लेके चलते हैं ना कि बच्चों यहां सुलाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, तो ये सब जरूरत पड़ती है। कोई व्यक्ति शादी करेगा तो इतना सोचेगा कि हम शिव जी की तरह पेड़ के नीचे रहेंगे और भागवत सुनेंगे, ऐसा तो कोई इतना एग्जॉल्टेड नहीं है, लेकिन पहली चीज सोचेगा ना कि कहां रहेंगे, आप बुरा नहीं मानिएगा, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कर रहे हैं, बेटा तुम सुखी तो तब थे जब तुम सुखी होने की प्लानिंग नहीं कर रहे थे अग्रीड, आप विचार कीजिए क्या बात है, मान लो कोई व्यक्ति शादी करना चाहता है तो जब तक आप नहीं करना चाह रहे थे तो शांति में थे कि नहीं, अभी हुई नहीं है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत करना, ऐसा नहीं कह रहा हूं, एक ऑब्जर्वेशन यार कि जैसे हम सोच जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं शादी करूंगा तभी से उसकी टेंशन शुरू हो जाती है, कैच कर रहे हैं इस बात को, और उसका इच्छा क्या थी, आरामदायक जीवन के लिए मैं शादी कर रहा हूं, लेकिन खुद अपने चित्त को देखिए कि जैसे ही शादी करने के बारे में सोचना शुरू करता है उसका आराम गायब हो जाता है, क्यों, पहली चीज नौकरी ढूंढो, फिर घर ढूंढो किराए का मकान या कुछ ऐसे इत्यादि इत्यादि, फिर बच्चे हो गए, फिर उसके बाद बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, और उसके बाद लड़की की शादी करनी है, ऐसे करके करके
फंसता चला जाता है, आराम कहाँ मिला। जो गृहस्थ भक्त हैं वो कुछ बता सकते हैं कि एट विच स्टेज ऑफ लाइफ की गृहस्थी में आराम मिल जाता है? नहीं मिलता। अच्छा आप भी, हाँ तो तीन तो इधर बता रहे हैं नहीं मिलता है। ये शायद ये लोग उनको गलत चॉइस मिल गई। अगर अन्य लोग जो गृहस्थी में वो भी कुछ बताएंगे, कुछ रेज हैंड रेज करना चाहिए। अच्छा ठीक, तो इसीलिए बनाया ही गया है कि आराम ना मिले कि वानप्रस्थ में जाके ही आराम मिले भजन करने के लिए, बनाया ही गया इस प्रकार से। एनी हाउ, तो ये सब एक जंजाल है और इस तरह घर बनाने की आवश्यकता पड़ती है। घोड़े हाथी गाय तथा कुत्ते ये सब घरेलू पशु हैं और गृहस्थ को गृहस्थी सामान के तौर पर इन सबों को रखना होता है। ये पहले हुआ करता था। अभी हमारे बता रहे थे प्रभु, क्या नाम, शिवा प्रभु बता रहे थे इनके दादाजी 100 गाय रखते थे, 100 काउस बर्मा में, बर्मा में 100 काउस। इनकी उम्र है कितना, 28-25, हाँ 25। तो इनके बाबा जी का मतलब कितना, नॉट वेरी लॉन्ग बैक, 100 गैया सी लोग रखते। अरे बहुत अच्छी बात है, गृहस्थी में कम से कम 10-12 गाय होनी चाहिए। क्या क्या सुना आपने, ये हमारे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल चुके हैं 10-12 गैया। अब चक्कर क्या है कि खेती वेती नहीं तो इसलिए सोचते हैं, लेकिन हमने देखा कैसे हमारे फार्म में गायों को खिलाने की कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपके पास खेती है वो ऐसे ही खा लेती है आराम से। यानी हम बहुत बड़ा विषय है तो रखते हैं। आधुनिक सभ्यता में घोड़ों तथा हाथियों का स्थान पर्याप्त शक्तिशाली कारों तथा वाहनों ने ले लिया है। इसका क्या मतलब है, 40 ब्रेक हॉर्स पावर यानी 40 घोड़े बंधे हुए हैं कार के रूप में, ये प्रभुपाद जी का। और आप ये विचार कीजिए कि एक गाय पालते हैं तो कितना खर्चा आएगा। मैं समझता हूँ 2000 रुपये महीने का, 60-70 रुपीज़ पर डे खाने का हो गया तो कितना हुआ बताओ, 1800 रुपये। आजकल लोगों के पास 20-20 लाख रुपये सैलरी है और 2000 के लिए भी गाय के लिए नहीं खर्च करना चाहते। अरे खुद पालन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर किसी गौशाला में आप दान कर सकते हैं रेगुलरली। कम से कम एक गाय को तो पालन कीजिए, एक गाय सारे देवता, एक गाय सारे देवता इंक्लूडिंग लॉर्ड विष्णु। एक गाय सारे देवता, पता है ना ये बात आपको, थिंक अबाउट इट। आधुनिक सभ्यता में, हाँ ये कहीं नहीं लिखा है कि जो व्यक्ति कार में पेट्रोल भराता है वो सारे देवताओं को संतुष्ट करता है। कार की विंड स्क्रीन को साफ करने वाला व्यक्ति गोपाल अपि प्रसिद्ध, गोपाल को प्रसन्न करता, ऐसा कहीं शास्त्र में लिखा नहीं। लेकिन गायों के ये गर्दन के पास में खुजलाने से गावा कंडू या नाम कुर्यात गोग्रासम गो प्रदक्षिणम गावा में प्रसन्नासो गोपाल अपि प्रसिद्ध थी। गायों के यहाँ गले के पास में आप खुजाइए, देखिए तुरंत झगड़ने आ जाएंगे, और हमारे भी खुजाओ, हमारे भी खुजाओ। और उसके बाद उनकी परिक्रमा करें, उन्हें कुछ खिलाने के लिए दें तो गोपाल प्रसन्न होते हैं, गाय प्रसन्न होती है और गोपाल प्रसन्न होती है, प्रत्यक्ष दिखेगा आप। हम तो यहाँ एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, केले बड़े पसंद है, बस केले ले आइए, देखो झगड़ा दूसरा एकदम झगड़ा करना शुरू कर देगी, एकदम झगड़ा करना शुरू कर देगी, बिल्कुल स्कॉन डिवोटिस की तरह। बाकी किसी चीज से झगड़ा करेंगे नहीं, लेकिन बस प्रसाद आया है नहीं कि प्लेट को ही तलवार की तरह चलने लगा। देखा आप उन्होंने कृष्ण हॉल में प्लेट प्लेट गए हटो इधर हटो तलवार की तरह चलाते हैं। एनीवेज तो ये स्थान अशास्त्रीय हो गई, उसमें आसक्त है लोग, बहुत आसक्त हैं कारों में। कुछ लोग आप देखेंगे खूब चमचमाते, उसको शैम्पू लगा लगा करके कार चमकाते हैं, अपना दिमाग नहीं चमकाते, बहुत आसक्ति होती है। देखिए आप लोग भक्त हैं इसलिए बच गए हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि कितना बच गए हैं। भक्त लोग भी कार आदि का उपयोग करते हैं लेकिन ये भावना नहीं होती कि ये मेरी कार है। गृहस्थी चलाने के लिए मनुष्य को अपनी बैंक पूंजी बढ़ानी पड़ती है और खजाने के विषय में सतर्क रहना होता है। अरे लड़के से ही सतर्क रहना चाहता है, लड़के बड़ी आय रखते हैं, कान क्या कहते हैं, आंखें आईज, दे कीप देयर आईज ऑन पिताजीज लक्ष्मी। पैसा उड़ाने के लिए करते हैं कि नहीं, अपने बच्चों से ही बचा के रखना पड़ता है। भौतिक संपत्ति के ऐश्वर्य प्रदर्शन के लिए मनुष्य को अपने मित्रों
तथा संबंधियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना होता है और साथ ही अपनी पूर्व स्थिति संभालनी होती है। ये समझे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने एक भक्त से पूछा, प्रभु जी इतना बड़ा महल बनाने की क्या जरूरत है, खाने के लिए तो बहुत कम लगते। कहते हैं प्रभु जी खाने में तो सबसे कम लगते हैं, ये सारा दिखावे के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। और हम चैलेंज कर रहे हैं, चलो प्लीज एक्सेप्ट दिस चैलेंज। किसके घर में, गिनो भाई कितने लोग यहाँ पे, ऑलमोस्ट 35 लोग हैं, किसके घर में लोग रोज आप 35 लोगों को गेस्ट के रूप में होस्ट करते हो, किए हैं कभी जिंदगी में बताइए? कभी बर्थडे हो गया होगा, उसमें भी आदमी बोझा अनुभव करता ना, कब खत्म हो जाए यहाँ से लोग। हमको सब बातें याद हैं अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की, मुझको पता है। कोई विरोध है तो कर दीजिए, हम गलत बोल रहे हैं। उत्सव किया होगा आपने अपना जन्मोत्सव, लेकिन उस जन्मोत्सव में खुद ही परेशान हो जाते हैं। मैं कोई गलत कह रहा हूं या आपने अनुभव किया इस बात? और यहां प्रतिदिन 35 भक्त तो सामने ही है, और कुछ भक्त जूम पे भी हैं, और कितना उल्लास लगता है। और देखिए एक भी व्यक्ति को सोफा नहीं दिया गया बैठने के लिए, कोई बुरा मान रहा है। और हम लोग यही सोचते रहते हैं, समानता देखिए भक्तों को तो कम से कम बचना चाहिए इस बात से कि सोफा नहीं होगा तो लोग क्या सोचेंगे। आप ये बताओ, आप बड़े इंटरेस्टिंग है कि मान लो कृष्ण हलादनी माता जी आपके घर पे कोई जाता है, कोई डिवोटी जाता है, देखते हैं आपके इनके घर में तो बेड ही नहीं, वाह कितनी विरक्त है ना। और नॉर्मली आप क्या सोचोगे, अरे बेड जरूर होना चाहिए, बेड बेड देखेगा तो कुछ नहीं सोचेगा, बेड नहीं देखेगा तो सोचेगा अरे भाई तो इतनी विरक्त है। और दूसरा बात सोचना चाहिए, मैं हम अभक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, भक्तों की बात कर रहा हूं। भक्तों के घर में अभक्त कभी गेस्ट के रूप में आते हैं क्या? तो फिर किसके लिए एक संग्रह कर रहे हैं? कौन से खटमलों को आकर्षित करने के लिए? कुछ याद आ रहा है ना, क्या याद आ रहा है? जब हाथ हैं तो फिर तकिए की क्या जरूरत है? आई हैव नो प्रॉब्लम, तकिया रख सकते हो, लेकिन विचार कीजिएगा। और आपने ये माना है कि जितनी वस्तु को हम उपयोग करने लगते हैं उतना हम और कन्विंस होते जाते हैं कि इसके बिना काम कैसे चलेगा। तो आप देख रहे हैं कि हम अपने मानव जीवन की एनर्जी को कितना बचा सकते हैं अगर थोड़ी बुद्धि लगा लें कि हम हैं कौन। प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं कि व्यक्ति इस प्रकार से फंसा रहता है। इसे भौतिक आसक्ति की भौतिक सभ्यता कहते हैं। इसको इसे मतलब ये सब इन सब चीजों में प्रगति करने के लिए भगवान की भक्ति का अर्थ है समस्त भौतिक आसक्तियों का निषेध, जिनका ऊपर विस्तार से वर्णन हुआ है। इसका अर्थ क्या है? देखिए इसका अर्थ यह है, हम पहले भी समझा चुके हैं, भक्ति कर रहा है तो कैसा है, खाने की तरह है। खाना खाता जा रहा है तो उसकी भूख शांत होती जा रही है। ये अपने जीवन में आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अब हमारे रिश्तेदार क्या सोचते हैं कि हम ये नहीं सोचते हैं, हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। Do you agree? और जब भक्ति की शुरुआत में आए थे तो बड़ी चिंता थी कि परिवार वाले क्या बोलेंगे, लेकिन अगर आप नियमित रूप से भक्ति करते रहे, थोड़ी थोड़ी भक्तों की डांट खाते रहे, क्योंकि शुरुआत में समझ में नहीं आता कि वो हित के लिए बोल जाए, डांट इसी बात पर पड़ती ना, उठ जाओ मंगल आरती कर लो, इतना क्यों पिछड़ा, मैं ठीक है कम ऑन इट्स ओके, लेकिन इतना पीछा लगने की क्या जरूरत है? ध्यान पूर्वक जब करो, अच्छे से करो, क्यों? जब ये करने लग जाएंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे, और जब रिजल्ट्स आपको स्वयं को मिलने लग जाएंगे तो आपकी श्रद्धा बन जाएगी, आप उसको फिर जीवन भर करेंगे। डज दैट मेक सेंस? ये बात बोली जा रही। तो अच्छे से ग्रहण करेंगे, पेट भर के उठेंगे, जैसे रोज प्रसाद के बाद उठते हैं फिर क्या सोचते हैं, अच्छा अब अगला भोजन कहाँ है, सोचते हैं क्या? बिल्कुल नहीं सोचते। अगर 25% खा के उठे तो सोचेंगे ना कि अच्छा अगली बार कहाँ, अगला कहाँ है। मेरी बात फिर से सुनिए, भोजन करने के लिए बैठे, खाना कम पड़ गया, मान लो 20% खा पाए, फिर उठ के आप क्या सोचेंगे, कुछ खाता हूं और। अग्रीड? लेकिन अब पूरा स्वाहा आहा करके उठे हैं, अब उसके बाद कोई केक खिलाए चाहे कुछ खिलाए तो ना, कुछ नहीं चाहिए। तो अगर अच्छी मात्रा में बढ़िया से भक्ति करता है तो व्यक्ति अपने आप ही जगत से विरक्त हो जाएगा, उसको अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं। इज दैट ओके?
तो जो भी ठीक से भक्ति कर रहा है उसमें होना ही चाहिए, और जिसमें नहीं हो रहा है मतलब ठीक से भक्ति नहीं कर रहे हैं, ठीक से भक्ति कीजिए, कहीं मिस्टेक कर रहे ठीक। अच्छा एक और विचार कीजिए, ये बड़ा सुंदर विचार है कि यदि जो संसाधन मेरे पास हैं उनमें मैं आसक्त नहीं हूं तो क्या मैं समर्थ हो पाऊंगा उन संसाधनों का उपयोग दूसरों के हित के लिए करने में। कुछ कैच किया, जो संसाधन है बुद्धि है जो कुछ भी है उसमें मैं आसक्त नहीं हूं तो मैं उनका उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। यस एंड दैट इज कॉल्ड तरोरपि सहिष्णुना। पेड़ अपने किसी भी एक फल से आसक्त नहीं होता, वो दूसरों के लिए देता है। बहुत अच्छी चेतना है ये, इसका इसकी महिमा भगवान स्वयं कहते हैं, इसको अप्रिशिएट करते हैं भगवान। यही भगवत प्रेम बढ़ने की इंडिकेशन क्या बोलेंगे चिन्ह है कि हम कल्याण करना चाहते हैं, दूसरों को देना चाहते हैं, संग्रह नहीं करना चाहते। वस्तु तो हमारी है ही नहीं कुछ भी, लेकिन देह से प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, प्राण से और धनी धन से देह से दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना। जब भी श्रेय आचरणम सदा, दूसरों का कल्याण हो, तो दिखा सकता है, दिखाता है कि व्यक्ति निरासक्त है। परीक्षित महाराज जाते जाते भी हम लोग के लिए कल्याण के कार्य करके कि नहीं बताइए। भगवान की कृपा से महाराज परीक्षित की सारी भौतिक सुविधाएं तथा अकंटक राज सॉरी परीक्षित महाराज को सारी भौतिक सुविधाएं तथा अकंटक राज्य प्राप्त था, जिससे वे राजा की अविचलित स्थिति को भोग सकते थे। लेकिन भगवत कृपा से उन्होंने भौतिक आसक्ति से सारे संबंध तोड़ लिए। जरा देखेंगे एक मिनट, भगवान की कृपा से ये वस्तुएं मिली और भगवान की कृपा से उन्होंने भौतिक आसक्ति से सारे संबंध तोड़ लिए। दोनों ही जगह भगवान की कृपा थी। भगवान जब चाहते थे कि वो राजा बने तो राजा बने, और भगवान ने कहा जब ये हट जाए तो हट गए। दोनों ही स्थिति में भगवान की कृपा थी। विशुद्ध भक्त की ऐसी ही स्थिति होती है। भगवान के भक्त तथा उनके प्रति सहज प्रेम होने के कारण महाराज परीक्षित भगवान की ओर से राज्य संभाले थे, और उत्तरदायी राजा की भांति वे सतर्क थे कि उनके राज्य में कलयुग का प्रवेश ना हो पाए। यानी कि उस समय भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि वे राज्य करें और कलयुग को प्रवेश नहीं करने दें। इज इट ओके? ठीक। और अब जब भागवतम को प्रकट कराने के माध्यम बनने का कार्य हुआ तो भगवान ने कहा कि अब इनको शाप मिल जाना चाहिए, तो वहां पे शाप को भी भगवान की कृपा स्वीकार करी, उसके बाद भागवत को प्रस्तुत करने के माध्यम बने। दोनों ही सिचुएशन भगवान की कृपा से बहुत होती थी। भगवत भक्त कभी भी अपने घर की वस्तुओं को अपना नहीं मानता, अपितु प्रत्येक वस्तु को वह भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है। इसका अर्थ समझते हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, जो कोई भी है वह सब भगवान की सेवा में लगे। क्या इस जगत में आप देखते हैं जो भौतिकतावादी लोग हैं वह पत्नी और बच्चों को भजन नहीं करने देते हैं? क्यों नहीं करने देते हैं? क्योंकि वह सोचते हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये कृष्ण की सेवा क्यों करेंगे? इज दैट ओके? बहुत सिंपल तरह से व्यक्ति देह आत्म बुद्धि से बाहर आ सकता है, ये समझते हुए कि ये जीव जो बच्चे के रूप में आया है, या पत्नी के रूप में आई है या आया है, जो भी कह लीजिए, वह उस मेरा कर्तव्य है कि इनको भी भगवान की सेवा में नियोजित करो। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, समझिए। ब्रह्मचारी बहुत कम लोग रह पाएंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि बाकी लोग सब छोड़ दें और बस उनके लिए कोई होप नहीं है और वह बंधन में पड़े रहे, ऐसा नहीं है। कृष्णेर संसार कौरी छोड़ी अनाचार। इसी प्रकार पत्नी को भी सोचना चाहिए कि पति भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, मैं उनकी सहायता करूं ताकि वे कृष्ण भावना में प्रगति कर सकें। ये मुख्य प्रयोजन है, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी। बात आपको बहुत सिंपल लगती है, लेकिन अप्लाई कहाँ करते हैं लोग? भक्त लोग भी कहाँ अप्लाई करते हैं, एटलीस्ट पूरी तरह से? नहीं तो बैठ के भागवत सुनना चाहिए ना। फलस्वरूप भक्त की देखरेख में जीवों को ईश अनुभूति का अवसर प्राप्त होता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए, बहुत गंभीर है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। इसको आप पांचवें स्कंद पांचवें अध्याय में देखेंगे। मल्लोक कामह, यदि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु कह रहे हैं शब्द देव कि यदि कोई मेरी लोक की कामना करना चाहता है और गुरु है
माता है पिता है तो उसको अपने बच्चों को वैसे ही संदेश देना चाहिए जैसे मैं दे रहा हूँ। क्या संदेश कि बेटा ये भोग के लिए जीवन नहीं है, ये दिव्य तपस्या करने के लिए जीवन है ताकि तुम चित्त को शुद्ध करो और अनंत सुख की प्राप्ति करो। इस प्रकार से भगवान ऋषभदेव ने अपने बच्चों को बताया था। तो कह रहे हैं अगर कोई माता है और पिता है या जो कोई भी है उसको इसी प्रकार से भक्ति का उपदेश अपने छोटों को दिया देना चाहिए, इससे भगवान की कृपा उस व्यक्ति पे होगी और उसे भगवान का धाम प्राप्त होगा। मल्लोक काम शब्द है, वो इतना नहीं मिलेगा तुरंत, उधर मत छोड़ दीजिए। मल्लोक काम मतलब भगवान के रिप्रेजेंटेटिव का कार्य कर रहे हैं अगर हम लोगों को भक्ति के बारे में बता रहे हैं या भक्ति करने की सुविधा किसी तरह से भी दे रहे हैं। इज दैट ओके? ठीक है। घरेलू वस्तुओं के प्रति आसक्ति तथा भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति का साथ साथ चल पाना असंभव है। एक आसक्ति अंधकार का मार्ग है तो दूसरी आसक्ति प्रकाश का मार्ग है। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं रहता और जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं रहता। किंतु पटु भक्त भगवान के प्रति भक्ति भाव से हर वस्तु को प्रकाश के मार्ग की ओर मोड़ देता है, मोड़ सकता है और उसका श्रेष्ठ उदाहरण पांडव है। थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए इस सिद्धांत को। देखिए मान लीजिए आपके पास रोटी गूंधने के कुछ परात है तो सामान्यतः लोग अपने बर्तनों में आसक्त होते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? सामान्यतः गृहस्थी में लोग अपने बर्तनों में आसक्त होते हैं। आप देखेंगे एक गृहस्थी में एक परात शायद 20 साल चल जाती है, ब्रह्मचारी आश्रम नहीं चलती है, वो अनासक्त रहते ना, वो तोड़ेंगे ही। हम लोग एक बार वॉशिंग मशीन लाए थे 25 दिन में टूट के खत्म हो गए, दोबारा कभी नहीं ले। हमने कहा जब भगवान ने सब भक्तों को दो हाथ दे रखे वॉशिंग मशीन में, इसी का उपयोग कर। और हम यानी हम बहुत नहीं उसको कहना चाह रहे लेकिन ये होता है। एक चम्मच, एक कटोरी, हमारी कटोरी, हमारा ग्लास, ये सब चलता है कि नहीं घर में? हाँ ठीक ठीक है। लेकिन भक्त लोग वस्तुओं में आसक्त न होकर भगवान की सेवा में आसक्त होते हैं। कभी कभी लगेगा कि भक्त तो ज्यादा आसक्त है उस वस्तु में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो आसक्त है इस बात से कि वह वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करेगा। भक्त भी ध्यान देते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, लेकिन इसलिए नहीं कि इंद्र तृप्ति करूं, इसलिए कि मैं कृष्ण का भजन ठीक से कर पाऊं। बहुत ही सूक्ष्म विचार है अगर आप विचार करें तो, बहुत सूक्ष्म है। इज दैट मेकिंग सेंस टू यू? मान लीजिए किसी कार से आपको प्रचार के लिए जाना है तो कार का ध्यान रखेंगे ताकि हम प्रचार कार्य में सरकार को ठीक से कर सकें। ऐसा तो नहीं कि नहीं कैमरा जो आया है भगवान की सेवा के लिए हम फेंक के चले जाएं कहीं पड़ा रहे, हम तो कैमरा है नहीं, कैमरा मेरा है नहीं, किसका है? कृष्ण का है, उसकी इनकी सेवा में उपयोग हो रहा है। ओके, निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्य मच्छते, यानी कि जो भी वस्तु हमारे पास है भगवान की तरफ मोड़ देने से व्यक्ति देहात्म बुद्धि से मुक्त हो रहा है। महाराज युधिष्ठिर तथा उन्हीं की तरह के सारे गृहस्थ अपनी सारी तथा कथित भौतिक संपत्ति को भगवान की सेवा से जोड़कर हर वस्तु को प्रकाश की ओर मोड़ सकते हैं, किंतु जो प्रशिक्षित नहीं है अथवा हर वस्तु को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता निर्बंध कृष्ण संबंधे, उसे सारे भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए, तभी वह भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन का पात्र बन सकता है। दूसरे शब्दों में जिसने महाराज परीक्षित की भांति सुखदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम का एक दिन भी निष्ठापूर्वक श्रवण किया है वह भौतिक वस्तुओं के प्रति सारी ममता को छोड़ने में समर्थ होता है। महाराज परीक्षित का अनुकरण मात्र करने और पेशेवर व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का 700 वर्षों तक भी श्रवण करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत को पारिवारिक खर्च चलाने के लिए साधन बनाना भगवान के चरणों पर सबसे भौंडा नामापराध है। सर्व शुभ क्रिया सामंपि प्रमादः। तो समझना चाहिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर जो कहे गए। एक बात, भक्त लोग जो पटु हैं वो दक्ष हैं, वो जानते हैं हर वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में कैसे किया जाए, तो गृहस्थी में भी सब वस्तुएं भगवान की सेवा में लगा देते हैं। पॉइंट वन। दूसरा पॉइंट क्या सीखा है यहाँ पे कि जो नहीं कर सकता है वो उसके लिए आवश्यक है कि वो घर छोड़ करके भजन करे। क्यों? क्योंकि उसने यह नहीं सीखा कि हर वस्तु को भगवान की सेवा में कैसे नियोजित करे।
तो अब क्या उसकी स्थिति क्या है, वो घर की वस्तुओं में आसक्त रहेगा। और लास्ट पॉइंट जो प्रभुपाद जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए श्रीमद् भागवत का श्रवण अगर हम प्रमाणिक स्रोतों से करेंगे तो एकदम निश्चित बात है कि भगवान में आसक्ति, अगर आसक्ति केवल ईस्ट में, अगर आसक्ति ईस्ट में है तो आसक्ति वेस्ट में नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात है। इसीलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य हम लोग रोज पढ़ते हैं सुनते हैं, ताकि प्रभुपाद जी से हम श्रवण करके, आचार्य से श्रवण करके अपने मन को हम पवित्र कर सकें। और दूसरा जो प्रभुपाद ने बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोली है वो क्या है कि जो व्यक्ति पैसे के लिए, परिवार चलाने के लिए भागवत बोल रहा है उससे कितने साल तक सुनने से लाभ नहीं होगा? 700, यानी कि 701 साल सुनेंगे तो सही हो जाएंगे? नहीं, उपलक्षण का मतलब हुआ कि 700 सुनिए, चाहे 900 सुनिए, चाहे कुछ भी सुनिए, सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी काफी इंटरेस्टिंग बात है और ये दृष्ट भी है। लोग भागवत सप्ताह में जाते हैं, जैसे आए थे वैसे ही वापस आ जाते हैं। और इस्कॉन के भक्तों से माता पिता बहुत घबराते हैं। वास्तविक बात तो यह है कि एक दिन का प्रवचन ही आपकी पूरी जिंदगी चेंज कर सकता है। मैं तो अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, वो एक दिन का जो डिस्कवर सेल्फ जो भी कुछ है कि नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये कोर्स कराया गया था कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, उसी ने पूरे जीवन की धारा चेंज कर दी, केवल एक प्रवचन। एंड व्हाट अबाउट मल्टीपल प्रवचन? क्या आप लोगों के संग भी, कितने लोगों के संग ऐसा हुआ कि प्रवचन सुन करके आए थे? ओके, वेरी गुड। एक प्रवचन, जो पहला प्रवचन था, कुछ बात समझ में आई थी? यस यस, ऐसा नहीं था एकदम व्हाट, क्या हम लोग देह नहीं है? इट वॉज वेरी लाइक 21 साल तक मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं देह नहीं। That was very striking. तो जब एक प्रवचन पूरा जीवन परिवर्तित कर सकता है और हम नियमित श्रवण करेंगे प्रभुपाद जी की बातों को, तो फिर ध्यान दीजिए कि वो व्यक्ति की जिसने हमको सुनाया उसकी प्योरिटी क्या थी, उसने परंपरा के ज्ञान को परिवर्तित नहीं किया, ये प्योरिटी थी। वो भले प्योर था कि नहीं उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसने परंपरा के ज्ञान को परिवर्तित नहीं किया। और देखिए हम लोग आज वृंदावन में बैठे हुए, जिस चीज से आप भक्ति में आए थे वही भक्ति को संवर्धित भी करती है। साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। वी आर समाउ द हियर। ओके, तो काफी अच्छी बात है प्रभुपाद जी से हमने सीखी। और लास्ट बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या भागवत भी अपने भी कोई अपराध होता है, तो आज हमने सुन लिया कि पेशेवर तरीके से अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए भागवत सुनाना ये नामापराध है, तो ऐसे लोगों से सुनना नहीं चाहिए। देखिए जो भागवत बोल रहे हैं उनको दान देना ये एक स्वाभाविक सी बात है। दान इज नॉट फीस, दान इज नॉट चार्ज, चार्ज 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 नहीं, चार्ज 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 ना, प्रोटेक्ट 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 नहीं, माई फैमिली माई फैमिली माई फैमिली। उस व्यक्ति के हृदय में कृष्ण का गुणगान नहीं चल रहा है, वो कृष्ण का गुणगान करने के लिए नहीं बैठा, ही इज कनेक्टिंग टू हिज फैमिलीज मेंटेनेंस। जब अब ये विचार कीजिए, जो व्यक्ति बोल रहा है जब उसके जीवन में वैराग्य नहीं आया तो सुनने वाले के हृदय में वैराग्य कैसे आएगा? अग्रीड? तो वहां कुछ फायदा नहीं होता है। ओके, सो विल नॉट विल कंसिडर। और कुछ बोलना चाहता हूँ? नहीं, आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कोई टीका टिप्पणी है तो? नहीं भाई, चैट तो आप बंद कर देते हैं तो हम लोग टीका करेंगे कैसे? ओके, इट्स नाउ ओपन इफ यू इन केस हैव सम कमेंट्स। नो, तो आप लोग समझ पाए कि श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा विषय आसक्ति पूरी तरह से वह त्याग पाए राजा होने के बाद भी, तो हम लोग के लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर भागवतम सुनेंगे तो नियमित रूप से ऐसा फायदा होगा। आगे दो श्लोकों को हम कल सुनेंगे कृष्ण चाहते।
श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताहि गौर।